अक्सर एक ट्रेडिशन है इस समारोह का कि हम लोग सब प्रार्थना से शुरू करते हैं, प्रार्थना के बाद दीप प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद कार्यक्रम शुरू करते हैं। और लेकिन क्योंकि हमारे पास इस वक्त समय थोड़ा सा कम है, तो हम इस साल यही सोचेंगे कि जो भी गाना हो रहा है, जबकि हमें भी पता है कि हम स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं इस हैदराबाद की पवित्र भूमि पर, और हम सब पूरे साल इस इन दिनों के लिए तरसते हैं कि जब हम हैदराबाद में आए और अपनी सेवा आप लोगों के सामने करें दें, और आप लोगों के आशीर्वाद से हमारा पूरा साल अच्छा जाए। तो हैदराबाद वासियों, आप लोग सब बहुत ज़ोरदार तालियों के साथ हमें आशीर्वाद दीजिए। जितनी ज़ोरदार तालियां होंगी उतना हम समझेंगे कि उतना हमें आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले और जो 5 दिन हैं उसमें आप लोग आशीर्वाद इससे बढ़ के देंगे। शायद कलाकारों के लिए रिजर्व होगा, मेरे लिए हमेशा थोड़ा सा कम होता है। मैं यहाँ पर जो आज उपस्थित हैं, हमारे माननीय अतिथि रिस्पेक्टेड श्री रामकृष्ण कुदलिगी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत ज़ोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। Thank you, sir. Thank you for making time and coming and gracing this festival. I also want to welcome Rama ji. Thank you so much for coming, Rama Kudligi ji. Give them a very big hand. I also want to extend a very, very warm, not welcome, but I seek her blessings because for her contribution in the life of Sangeet Martand, Pandit Jasraj ji, and making of all of us and the Mewati Gharana. It's an unconditional, unquantifiable, intangible contribution. Please welcome Shrimati Madhura Pandit Jasraj ji. जोरदार ताली। और Yogesh Sharma ji, the eldest of the family and daughter of Sangeet Mahamopadhyay Pandit Maniram ji. Yogesh Sharma ji, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रभाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for being here, coming all the way from Kolkata. And I now like to request, we have slightly different tradition. We start with music and then light the lamp. We always feel कि हम पहले उनका आह्वान करें, वो यहाँ आए, तब हम उनका दीप प्रज्वलित करके उनका स्वागत करें और फिर बाकी का हो। और इस स्वरांजलि के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे जो मुख्य कलाकार हैं, उनके सह कलाकार। सबसे पहले I would like to you all to bless the grandson of the legendary, just absolutely a unique musician, vocalist, जिनका contribution has been so huge to our music कि कभी-कभी हमें realize भी नहीं होता कि ये जो संगीत का अंग है वो उन कलाकार की देन है। First, let's give a huge applause for the legendary पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के लिए बहुत जोरदार तालियां। और उनके जो ग्रैंडसन है, आज अपने पिता के साथ संगत करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में कभी एक सोलो भी यहाँ पर बहुत जल्द गए। प्लीज वेलकम द राइजिंग स्टार अभेद अभिषेकी। Along with the main artist on tabla is a maestro जिन्होंने बापूजी के साथ भी एक ज़माने में बहुत बजाया है in the 80s, a fantastic tabla maestro. Please welcome Subhash Kamat ji. जोरदार ताली। और हारमोनियम पर जो अभिनय करते हैं और जिनकी हारमोनियम से भी इमोशंस निकलते हैं, ऐसे कलाकार अभिनव रवंदे। और जो हमारे मुख्य कलाकार हैं उनके बारे में मैं ये बताऊंगी कि उनकी माँ, आप सब समझ गए कि वो ऑफ कोर्स पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी के सुपुत्र और शागिर्द भी हैं, लेकिन एक बहुत अनोखा रिश्ता रहा है बापूजी का और उनकी माँ का। उनकी माँ विद्या जी, उन्होंने हमेशा बापूजी को राखी बांधी है और एक भाई बहन का एक बहुत प्यारा रिश्ता रहा और है, मैं कहूँगी। और इतना मीठा रिश्ता ये रहा है और उतना ही मीठा इसको, इस रिश्ते को निभाते रहे हैं बापूजी के भांजे और आज की तारीख में जिन्होंने अपने पिता की लेगेसी को बहुत आगे लेकर गए हैं। और अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट द ग्रेट लेजेंड पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी टू अर्ली, बट मेरी और देवकी पंडित, आप लोग देवकी पंडित जी को जानते हैं, जानते हैं ना? शी इज़ अ फैबुलस माइस्ट्रो एंड शी इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड फ्रॉम स्कूल टाइम्स। और हम लोग एक बार फ्लाइट में बात कर रहे थे तो उसने कहा कि जब हम लोग अपने गुरुजी से सीख रहे थे तो शौनक छोटा था, बहुत छोटा था और सिर्फ सुनता था, उसको हमने कभी रियाज करते हुए कभी देखा नहीं। उसने कब वो गाना सुना, कब वो सीख आत्मसात किया, कब रियाज किया और कब वो गवैया बना, ये प्रोसेस इज ऑलमोस्ट, इट्स अ ग्रेस, इट्स ग्रेस ऑफ गॉड truly, because we are so always watching the process. It's very important to also know that there is a process, but sometimes overnight आप एक adult बन जाते हो। आप adult दूसरी चीज़ों में बन सकते हैं, लेकिन एक music की legacy को लेके एक adult बनना, ये एक miracle है, एक blessing है। तो we have witnessed that grace in his voice, we have witnessed the grace and the maturity and the responsibility of taking his father's rich legacy to another level. Please welcome one of the most prolific maestros of our times and somebody who has taken his father's great and rich legacy forward, Pandit Shounak Abhisheki. Ithe ya tumi. Welcome. I'd like to also welcome Jai Ranjan ji. Thank you so much, sir, for coming, and Ruchi Ranjan ji. Thank you very much, ma'am. Give them a very big hand, please. सभी गुणीजनों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। पंडित मोतीराम मणिराम संगीत समारोह में अपनी सांगीतिक सेवा अर्पण करने का अवसर मुझे मिला है, उसके लिए दुर्गा जी और मामी जी हैं, उनके आभार। परम पूज्य मामा जी, इनका प्रेम और सहवास मुझे प्राप्त हुआ है, ये मेरा सौभाग्य मानता हूँ। मैं आपके सामने राग प्रताप वराड़ी पेश करूंगा। ओरिजिनली साउथ इंडियन राग है, पर हिंदुस्तानी म्यूज़िक में उसको अडैप्ट किया गया है, और इसकी बंदिशें प्रख्यात रचनाकार गुरु पंडित रामाश्रय झा इलाहाबाद के, इनकी रची हुई हैं। रूपक में ख्याल और एक ताल में द्रुत, कोशिश करता हूँ। आशीर्वाद दीजिए मामी जी, दुर्गा जी, रतन भैया। थोड़ा बाहर आवाज़ बढ़ाइए, बाहर थोड़ी आवाज़, बेस किंचित रिवर्ब। क्या कह रहे थे? हाँ, थोड़ा तंबोरा बाहेर चांगला ठेवा प्लीज, लोकांसाठी। थोड़ा गेंद दे। रूप नहीं तेरो रूप नहीं नहीं रूप अनामी बहुनामी नारायण हरि कृष्ण नाम अनामी नाम अनामी नाम अना। नरसिंह कृष्ण हरि 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 नाम अनामी बहुनामी नारायण नरसिंह कृष्ण नाम नाम अना re sa no ma re sa pa da ma ba re sa sa pa ba ma ba re sa sa da da pa da ma ba ma re sa 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 da da pa da pa ba ma ma re sa sa na re sa ma re sa da ma re sa sa da pa ma re sa re sa ma re sare bada sa ma bada re ma bada sare ma bada sare sa ba ma gare sa na re ma ba re ma ba re ma ba da da re ni da da re ma ba da ba ma ga re sa na ana na ma na ana mi हरी सो लगावो लगा हरी सो लगा लगा हरी सो लगा लगा राम रंग रंग देता छिन बिकटे भव बंधन मान मन मुरारी मान मन मान मान मन थोड़ा वेळ आहे किती 15 मिनिट मी मामाजींनाच ट्रिब्यूट म्हणून काहीतरी गाणार आहे इथे खरं इतके सर्वश्रेष्ठ शिष्य आहेत मामाजींची त्या परंपरेतले हे एक बंदिश ती गातो आणि ऐसा आहे की उनका प्रेम आशीर्वाद और बहुत दया रही है हम पे परम पूज्य मामा जी पंडित जसराज जी की और मेरा सौभाग्य रहा कि उनके सामने बैठ के चरणों में मुझे ये बंदिश सीखने का अवसर मिला। बहुत सालों के बाद मैं ये गा रहा हूँ, प्रयत्न करता हूँ। रतन भैया कुछ गलती होगी तो माफ़ कर दीजिए। बस मुझसे ज़्यादा अभी अभेद ने वो बंदिशें रटी हैं। मैं एक्चुअली पहले मेरा सबसे प्यारा और उनका ऐसा मैंने सुना नट नारायण, उसकी गाना चाहता बंदिश, लेकिन अभी जो राग गाया और वो बहुत सिमिलर हैं तो वक्त भी कम है तो थोड़ा सा ते काही मराठी लोक आहेत त्यांनी मला नंतर सांगितलं एक काहीतरी गा म्हणून आमच्यासाठी, तुझी इच्छा असेल तर, नाहीतर मग राहू दे, पुढच्या वेळेस बोलशील ते। अब थार बिन कौन मोरी राखला, 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 अब थार सनी जमा का खाली खा सरे गम बदनी पम बदनी सनी जगमनी सनी सदनी पम बगमनी समाता का माता काली का na dir dir dim tan na dir na tan ना दरी दरी 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 क्या बात है। कभी कभी आपको इशारे मिलते हैं कि कितना अच्छा गाना हुआ। अभी मैं स्टेज पर आ रही थी और शायद ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा पल्लू वहाँ अटका और कहा कि मत जाओ स्टेज पे, उसको और गाने दो। सच्ची में शौनक का गाना सुनते हुए मुझे एक किस्सा याद आया जो दोनों ही हैदराबाद पुत्र से कनेक्टेड है। एक तो है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब और एक ऑफकोर्स बापूजी संगीत मारतंड पंडित जसराज जी जिनको खिताब मिला हुआ है सन ऑफ हैदराबाद। तो जब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की तबीयत बहुत ख़राब थी लास्ट फ्यू इयर्स, तो वो मुंबई में रहते थे और बापूजी उनकी सेवा करने जाते थे और उनके पैरों को सहलाते थे, उनसे गप्पे लगाते थे, बहुत सारी चर्चा बातचीत होती थी। तो उनको एक दिन बहुत प्यार आया और कहा कि जसराज तुम मेरे शागिर्द बन जाओ। ये बात सच है एंड इट इज़ बीन डॉक्यूमेंटेड ऑल्सो कि जसराज तुम मेरे शागिर्द बन जाओ, मैं तुम्हें मुनव्वर जितना अच्छा गाना सिखाऊंगा। मुनव्वर अली खान साहब उनके बेटे, आप लोगों नाम जानते होंगे, करेक्ट, बहुत बड़े उस्ताद उनके बेटे। तो बापूजी ने कहा कि उस्ताद आपने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे गाना सीखूं, लेकिन प्लीज़ मुझे क्षमा करिए, मैं अपने बाप को जिंदा रखना चाहता हूं। आप जिंदा कैसे रखते हैं अपने बाप को? बापूजी ने अपने पिताजी को सिर्फ 4 साल की उम्र में खोया हैदराबाद में, गाने के ज़रिए, उनकी कला के ज़रिए। बोले मैं आपका शागिर्द बन जाऊंगा, मेरा बहुत नाम हो जाएगा, ये बात सच है, लेकिन मैं अपने बाप को जिंदा रखना चाहता हूँ। और ये एक जीती जागती मिसाल है जिसने अपने गाने से मजाल है इस दुनिया के इस पटल से अपने बाप का नाम कभी लोगों के जहन से उतारा हो। पंडित शौनक अभिषेकी। ऐसे बच्चे होते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं सुपुत्र, जो अपने कर्म से, और मैं कहती हूँ कि इसने आज जो जो रागों का चयन किया, उन रागों के साथ कौन सी लयकारी, उसने जो विलंबित में रूपक गाया है, उसके लिए मैं बहुत दिल से इसको तालियां देती हूँ। और मैं सोचती हूँ कि ये बहुत पुराने ज़माने में मैंने कभी बचपन में सुना होगा कि बुजुर्ग लोगों ने विलंबित रूपक गाया होगा, उसके बाद 3 ताल, उसके बाद झपताल, ऐसा कोई बाज या उसका एक लयकारी का जो मज़ा लेते हुए इसका जो गाना निखरा है आज, और जो इसकी आवाज़ की रेंज है और इसके गाने में जो एक इमोशंस है, जो एक अनायास आते हैं, जो एक अपने पिता की छाप लेकर आते हैं, लेकिन उसमें शौनक भी बोलता है ज़ोर से। क्या मैं इसकी तारीफ़ करूँ? ये जो इतना प्यारा इंसान है, I really wish you know him as a person. He is very loving. He is very soft. गोवा के सारे अच्छे गुण जो है ना, इसमें कूट-कूट के भरे हुए हैं। वो आज हम अच्छे वाली बात करेंगे. लेकिन Shounak is seriously somebody who makes us proud of this great tradition. और इसमें अगर nepotism है तो है, बहुत खूबसूरत है. और मैं जयेश रंजन जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पे, और आप जूतों के साथ भी आए तो चलेगा. बाद में दीप प्रज्वलन के लिए जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप उसको उतार सकते हैं. आप शॉल लेके आए पहले, उसके बाद दीप प्रज्वलन करेंगे प्लीज़. सभी कलाकार हैं. अभेद ने जो गाना गाया है, वी ऑलरेडी नो द ट्रेडिशन इज मूविंग अहेड. अभेद, क्या बात है. और तुम्हारे गाने से पता चला कि ये बापूजी का गाना भी कितना सुनता है. अच्छा, बापूजी के गाने में भी अपनी छाप लेके जो इनका गढ़ है वो उन्होंने छोड़ा नहीं. क्या बात, जीते रहो. इसको बोलते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. आप हर बंदिश में, हर राग में अपने रंग दिखा सकते हैं. माता काली का हो चाहे अब थारे बिना, उसमें आप अपना रंग दिखा रहे थे. और प्लीज़ उर्मी जी यहाँ आइए. और जयेश जी को हम लोग बहुत थका देते हैं मंच पे बुला बुला के हमेशा, मगर हमें अच्छा लगता है. प्लीज़ गिव अ वेरी बिग बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर Shounak Abhisheki, Pandit Shounak Abhisheki, the fabulous tabla maestro Subhash Kamat ji. इधर आइए आप प्लीज़. बहुत सुंदर. और प्रताप बराड़ी, ये मैंने पहली बार सुना. कितना खूबसूरत राग. और तुमने कभी सुना था ये कैसे बजा रहा था? ऐसे जैसे रोज प्रताप बराड़ी का राग का रियाज कर रहा है. क्या बात है अभिनय. और पहली बार बजा रहा है Shounak के साथ. कमाल है अभिनय. गॉड ब्लेस यू. बहुत सुंदर. And somebody who's going to take the great legacy forward, the rising star, Abhed Abhisheki. Very, very, very impressive. Very, very good. Thank you so much. Thank you, Urmi ji. Jayesh Ranjan Garu, आप please सीधा दीप प्रज्वलन के लिए वहाँ प्रस्थान करें. और I would also like to request Ramakrishna Kudligi ji to light the lamp, the auspicious lighting of the lamp. We are all ulta sulta. We believe in music. We start with invocation. We start with music. हमें लगता है अब हमारे सारे जो भगवान हैं, गुरु हैं, वो अब यहाँ पे अवतरित हुए, तो अब हम उनका स्वागत करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं. Please, योगेश जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी आएं. I also would like to request Nilam Kondi from SBI, Associate Vice President of SBI Life, to please come and do the lighting of the lamp, please. जोरदार तालियां. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you so much. Please give them a big, big round of applause. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। और Sudani sisters are here. Oh wow, pretty you ladies. And now I'd like to request for all the artists to come on stage, but obviously इतना बड़ा जमघट है, आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। और लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि आज का दिन तो कौन सा दिन है, हाँ, और कल कौन सा दिन होगा। वाह वाह क्या बात, अपने आप के लिए तालियां दे दीजिए, तृतीया के लिए तालियां बजाइए। इतना आप अपने आप का मजा नहीं लेते, इतना जोर से बजाना चाहिए, सबसे लाउडेस्ट शुड बी फॉर योरसेल्व्स। और कल कौन आर्टिस्ट है बताइए। हाँ जी, और और वेरी गुड। एंड बस एक उसका नाम पता है, आर्या अंबेकर। उसके बाद और उनके साथ कौन गा रहा है? हाँ, विकास पारिक। विकास पारिक इज गोइंग टू परफॉर्म विद 28 इफ आई एम राइट, 28 स्टूडेंट्स। इन्वोकेशन रहेगा, अ स्पेशल परफॉर्मेंस with 28 students who are all flying, who have all come I think or are on the way from Ahmedabad. 28 jan gaane wale ek sath. Uske baad of course we are going to have one of the most brilliant tabla duets of father and son. bahut kam log hote hain jo apne guru ke sath duet baja sakte hain, and I think that this is absolutely phenomenal ki Pandit Nayan Ghosh ji is going to play duet with his son, the most brilliant tabla player of his generation, I arguably, but not really arguably, Ishan Ghosh, and followed by the superstar of Maharashtra right now. क्या बात है, एक साथ कोरस में बोलो 1 2 3। क्या बात, क्या वॉइस निकल रही है सबकी। आर्या अंबेकर along with, हाँ, भाटे के लिए वॉइस ही नहीं निकलती आप लोग की, मोखे आपकी भी नहीं निकल रही है। यस, एंड इट इज, ये पहली बार शायद नाट्य संगीत इस मंच पे होने जा रहा है, विच विल बी टुमारो, भावगीत, नाट्य संगीत एंड अभंग। सो इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर सारे कलाकार आ चुके हैं, और इन कलाकारों का मान सम्मान करने के लिए मैं दोनों ही हमारे जो यहाँ पर आदरणीय हैं, तो नाउ कैन वी हैव द एवीज प्लीज मीनवाइल, जब तक ये लोग सेटअप हो रहे हैं सब लोग। तू ही मेरी एक वजह है, तू ही मेरी ऊर्जा है, तू ही मेरी राहों का नूर, तू मेरा फ्यूल, तुझसे मैं जलता हूँ, तेरे लिए जलता हूँ, तुझसे मैं हुआ मशहूर। उत्तर के पहाड़ों से दक्षिण के किनारों तक, पहले इंडियन फिर ऑयल, इंडियन ऑयल। रॉकेट से लेके पॉकेट तक, कभी माँ की दुआ के लॉकेट तक, हम शहर से लेके गांव तक, जल थल कभी हवाओं तक, आपकी सेवा में हमें सुख मिलता है। मेहनत से बदले हमने पापा ने अपने स्टार्टअप ड्रीम को रीस्टार्ट किया ताकि मैं ये सीख सकूं, सपना है तो पूरा करके दिखाओ। करो पूरे अपने इरादे, अपनों से किए सभी वादे। SBI लाइफ, अपने लिए, अपनों के लिए। और इन सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, इसलिए इनके लिए बहुत जोरदार तालियां। I'd like to thank the government of Telangana, Indian Oil, NMDC, SBI Life. Thank you very, very much for all your support. Without this festival और आप लोगों का यहाँ आना भी मुमकिन नहीं होता, तो बहुत बहुत जोरदार तालियां। And of course, Union Bank of India, जोरदार तालियां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी। थैंक यू। आप लोग सेट हैं तो मैं आप लोगों को शॉल दिलवा दूं। देव थोड़ी देर के बाद आफ्टरवर्ड्स। अब एक नया जोश जो इस मंच पे जस्ट शुरू होने जा रहा है, और इस जोश का जो एक तूफान और शुरू का एक तूफान जो खूबसूरत तूफान है, जिसे जिसे ईश्वर ने भारत में पैदा किया है। और ये हमारे भारत का बहुत एक बड़ा गौरव है कि बहुरत्न वसुंधरा है। आज द्वितीय का एक टेस्ट हुआ था। बहुरत्न वसुंधरा का मतलब कौन बताएगा यंगस्टर्स में से? बहुरत्न वसुंधरा कोई नहीं। ओ माय गॉड, यंग में रतन भी है। मीनिंग वी हैव वेरीड टाइप्स ऑफ ट्रेजर्स। रत्न का मतलब रतन भैया को पता, रतन भैया के बगैर भी रतन है। बहु मीन्स वेरीड, मैनी। रत्न इज जेम्स, वसुंधरा इज द धारा, जो ऊपर से जो गंगा की तरह जो बहती चली जा रही। एंड जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस इंडिया हैज प्रोड्यूस सो मेनी वेरीड जेम्स इन ऑल डिफरेंट फील्ड्स, एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक। सो देयरफॉर आई जस्ट फील दैट in the earlier generation, of course, we had the Wadali brothers, great legends. Please give them a very big round of applause. What great mastery! They made Indian Sufi Qawwali so rich and original. They sang their own music. That is also very important. We nowadays hear a lot of musicians who sing music of our neighbors as Sufi Qawwali, which is great music, but it is not their original work. There is a big difference there, and that's why the legendary Wadali brothers stand very tall. उसके बाद अगर कोई अपना अनूठा छाप लेके सूफी कव्वाली, गजल्स, डिवोशनल, ऑल दीज, ये जो एक जॉनर है, उसको लेके अगर भारत का झंडा लेके कोई आगे बढ़ा है, या जिसके आवाज़ में वो ताकत है, I would like to believe, and I hope you can. I stand to be corrected, but I think, as of today, the most powerful voice would be of the great maestro, Usman Mir. ये जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। I'd like to request Ramakrishna Kudligi ji to come and do the honors. I also like to invite Garu ji, Jayesh Garu ji, please आइए आप। अच्छा ठीक है, please give Ramakrishna Kudligi Garu ji a big round of applause for being here. आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आई एम रियली मिसिंग महिमा, माई अगर इफ यू आर वॉचिंग लाइव, यू नो आई एम मिसिंग यू। हमारे फैमिली में आपके बहुत फैंस हैं, और बापूजी भी आपको बहुत प्यार करते थे, आप जानते हैं। मुझे लगता है वन ऑफ द लास्ट वीडियोज वेयर ही स्पोक अबाउट एन आर्टिस्ट वॉज फॉर हिम, है ना? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि संगीत मार्तंड पंडित जी मुझे बहुत प्यार करते थे। बस इससे और करते रहेंगे। जी जी जी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। धन्यवाद। और मैं बाकी के सह कलाकारों को भी आप अगर उनको अयूब हुसैन मीर तबला, आप वहीं पे रहे, क्योंकि अगर आप वहाँ स्थित हैं वो आ जाएंगे आपके पास। बस खड़े हो जाए, जोरदार तालियां जी जी जी। यूसुफ इस्माइल मीर, साइड रिदम। नाज़िराब अहमद हुसैन मीर, बॉन्जो। ओ मेरा बहुत फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बजा रहे आप। अब्दुल महमद मीर तबला, जोशी मनीष चंद्रकांत कीबोर्ड्स, भाविक भाई प्रफुल्ल भाई दस दिया ऑक्टोपैड, जल्दी से, और रतन भी आप मंच पे आइए, जल्दी से भाग के आइए और आप कहीं मत जाइएगा, आपको हम ही इट्स हिज फर्स्ट टाइम एट द फेस्टिवल, सो वी वुड लाइक टू वेलकम हिम. I'd like to request my elder brother and Guru Bhai Ratan Mohan Sharma ji, Pandit Ratan Mohan Sharma ji, to give you a very warm welcome. He performed yesterday. एक सेकंड. आ रही है सब्र शॉल आ रहा है, जहाँ पना शॉल आ रहा है. जस्ट नो इट्स हम लोग का थोड़ा सा एक रिवाज है, उतना निभाने दीजिए. और मीनवाइल मैं आपको दरख्वास्त जरूर कर सकती हूँ कि आप कुछ चंद शब्द कहें. इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी हियर टुडे. पंडित जी का जस्ट नाउ आई वाज टेलिंग माई वाइफ दैट हम लोग जब कानपुर में पढ़ाई करते थे, आईटी कानपुर में, उन दिनों पंडित जी का प्रोग्राम्स में बहुत जाके देखे, सुने. इट्स ए ग्रेट ऑनर एंड प्रिविलेज टू कंटिन्यू हिज लेगेसी इन हैदराबाद. एंड आई अश्योर दुर्गा जी एंड हर टीम दैट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, वॉट एवर असिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड, वी आर ऑलवेज विलिंग टू प्रोवाइड. थैंक यू. And thank you for bringing such a wonderful program to Hyderabad. Thank you very much. This assurance is not just an assurance for us; it's like a blessing coming down. Please give everybody who makes this happen, Ramakrishna Kudligi ji, Jai Ranjan ji, everybody a very, very big round of applause for making this festival what it is today. Ratan ji, आप please इनका हम बहुत दिल से आपका स्वागत करते हैं, और स्वागत इसलिए करते हैं ताकि आपको बार बार यहाँ आना पड़ेगा. अब थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर. थैंक यू. आप अभी मेरी बातचीत सुनना चाह रहे हैं ना? यू वांट मी टू कंटिन्यू राइट? या हाँ, तो मेरे लिए जोरदार तालियां बजाइए ताकि मैं दफा हो जाऊं यहाँ से. मंच पे एक मिनट आइए आमिर. यहाँ पे इनका पता नहीं क्यों नाम नहीं है यहाँ पे. आमिर आप आ जाइए प्लीज मंच पे बहुत जोरदार तालियों के साथ. उस्मान मीर जी के सुपुत्र आमिर, आपका स्वागत है. आई एम सॉरी आपका यहाँ पे नाम नहीं था. आपका शॉल प्रोग्राम के बाद स्पेशली आपके लिए वो कह रहे मैं लेकर आया हूँ. Hard. सभी को मैं प्रणाम करता हूं और दुर्गा जी और पंडित जी का जो पूरा परिवार है उनको मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। पंडित मोतीराम जी, पंडित मणिराम जी, संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी, उनकी परम चेतना को मैं हम सब नतमस्तक वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं दूसरी बार यहाँ पे परफॉर्म मेरे ख्याल से कर रहा हूँ और ये मुझ पे पंडित जी का आशीर्वाद रहा है, उनका बहुत प्यार रहा है। ये रतन मोहन जी मेरे सामने बैठे हैं। लास्ट जब राजकोट में जब पधारे थे पंडित जी, क्या गाया था, 1.5 घंटे, मतलब कमाल। वो जैसे होते हैं ना फरिश्ते, गांधर्व लोग, तो ऐसे जो महान आत्माएं हैं, जो परम चेतनाएं हैं, उनका आशीर्वाद मिल जाए उससे बेहतर कुछ बात ही नहीं है। तो हमारे लिए तो बहुत बड़े सौभाग्य, क्योंकि हम तो बहुत छोटे हैं, उनको अंजलि देने के लिए भी हमारी औकात नहीं है। तो बस जो कुछ भी टूटा फूटा हमको जो आता है हम उनको अर्पित करेंगे और आप सब जितने बड़े सुरीले श्रोता यहाँ पे विराजमान हैं, आप सब हमारे मुकुट समान हैं और आप सभी से कलाकार कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सबके प्यार आशीर्वाद से कलाकार बड़ा बनता है। आपने ही जितने बड़े कलाकार हैं उनको कलाकार बनाया है। बस ऐसे ही हमको भी आशीर्वाद दें, मेरे बच्चे को भी आशीर्वाद दें, जो कुछ भी आता है हम आप सबके अर्पित करते हैं। थैंक यू। इस अमानत को अमानत की तरह रखा है, अपने फन को बचा के रखा है तमाशों से बहुत, क्योंकि हमने इसको इबादत की तरह रखा है। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर लाया नहीं। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी जुबान पर लाया नहीं, बिन मांग दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। सरकार ने मुझको जितना दिया, सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है तो करम है उनका बनना, मुझ में तो ऐसी बात नहीं। सबकी बिगड़ी बनती है, तू भी वहीं पर जाते से दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कोई बात नहीं, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कोई बात नहीं, ये तो कर्म जैसे मंगतों को तवंगल कर डाला। तू भी वहीं पर काजे से दर पे है, सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर काजे से दर पे, सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बना, देख तेरी तकदीर बनाना। उनके लिए कोई बात नहीं, देख तेरी तकदीर बनाना। उनके लिए कोई बात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना। बहुत शुक्रिया, आप नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सभी गुणीजन इतने प्यार से सुन रहे हैं। अगर आप सभी के स्वागत के लिए एक गाना मुझे बहुत पसंद है, ये मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये हम दोनों बाप बेटे गाएंगे। साजन आयो है सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार साजन आया हे सखी मैं तोड़ू मोतियन रोहार लोग जाने में मोती मैं तो झुक झुक करूं जुहार लोग जाने मैं मोती चुनो मैं तो झुक झुक करूं जुहार तेरी सखी मंगल गारी बजाओ, अनहद नाद बजाओ। आपका इतना प्यार, इतनी तालियां मिलती हैं तो हमारे जीने के 5 साल और बढ़ जाते हैं। मतलब 5 साल ज्यादा हम जी जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत एक आप सब जो गुणीजन बैठे हैं ऐसे सुनने वालों के लिए, अगर ऐसे सुनने वाले मिलते हैं तो इस गज़ल में मैं कहना चाहूँगा। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। कोई वहाँ प्यार करने वाला, कोई वहाँ प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं है। है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी उन्हें ये पता नहीं। कोई बहुत प्यार करने वाला, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, जो तोड़ दे मेरे हौसलों को, अभी वो तूफान उठा नहीं है। मैं जिंदगी इतनी खूबसूरत अभी उड़ी ये पता नहीं। जिंदगी इतनी खूबसूरत अभी उड़ी ये पता नहीं। कोई बहुत प्यार करने वाला, कोई बहुत प्यार करने वाला, जिन्हें अभी तक मिला नहीं है। मैं जिंदगी इतनी खूबसूरत अभी ये पता नहीं। बहुत ही अच्छी तरह आप सुन रहे हैं। तो आप एक मेडली छोटी सी मैंने बनाई है आपके लिए, सुनाओ ना। क्योंकि ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह भी रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, हमें और गाने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक दो। तुम जो कह दो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक दो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आप भी गा सकते हैं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। ये सब आपके लिए। तुम जो मिल गए हो, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार कर मेरा दिल ये पुकारे आजा मेरे गम के सहारे आजा, भीगा भीगा है सनम जिंदगी से, जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल। ये बड़ा खूबसूरत शेर है। हौसला है मुझे, हुस्न वालों का खुदा लगता है, हुस्न वालों का खुदा लगता है, हुस्न वालों का खुदा लगता है, यार तू सबसे जुदा लगता है, उसके बालों का खुदा लगता है, उसके बालों का खुदा लगता है, यार तू सबसे जुदा लगता है, उसके बालों का खुदा लगता है। के मेरे राहे, दरमिया उसके मेरे राहे, दरमिया उसके मेरे राहे, दरमिया उसके मेरे હા સંભળાવીશ સંભળાવીશ ચાલે સંભળાવીશ अभी जो ये मेरी मैं जो पेश करने जा रहा हूँ वो पंडित जी ने काफ़ी बार सुना और काफ़ी उनको पसंद आता था। ये राजस्थानी एक फोक जो बहुत प्रचलित है, आप सब जानते हैं, लेकिन जब भी मैंने गाया तो पंडित जी ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिए, खासकर फ़ोन करके एक बार मुझे आशीर्वाद दिया था कि आपने ये बहुत अच्छा गाया। तो आप सबकी अगर इजाज़त है तो मैं ये सुनाना चाहूँगा, फिर आप जैसे कहेंगे वैसा मैं आपको सुनाऊँगा। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। केसरिया केसरिया पधारो केसरिया ये जावन आवन कह गयो दे गयो कॉल अनेक जावन आवन जावन आवन मस्त खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। लेकिन कवि शायर इससे भी आगे बात करते हैं, क्या कहते हैं, ये कागा कागा नैन निकाल लो ले जाओ पीऊ पास। ये कागा कागा ये कागा यानी एक साज। ये तन रबाब तन रबाब मन की गिरी और रगे भई सब तार। मेरी रगे हैं वो तारों का काम करती है। और रोम रोम सुर राम राम सुर देते हैं राम राम सुर देते राम राम सुर देते राम गा सकते हैं, लेकिन आखिर में रिक्वेस्ट कुछ अलग सुरों से मैं कोशिश करूंगा। केसरिया रे कम खासा कम पैर सा है मेरे साजन, मैं कोरा राख सा केस कम खासा कम पैर सा मैं अब के पिया अब के पैया परूंगी साजन, तू मत जा रे परदेस रे रही जा मारे देश रे रही जाओ मारे देश ठीक है। तो मैं अभी लास्ट में थोड़ा गुजराती सुना दूं। जी अच्छा, बहुत मुश्किल आपने फरमाइश दी है लेकिन मैं कोशिश करूंगा। ये मैंने कोशिश की थी ये कंपोजिशन बनाने की, और जितने भी गुणी हैं जो म्यूज़िक को अच्छे से जानते हों उन्होंने बहुत पसंद किया। आपने याद फरमाया, बहुत धन्यवाद आपका। ये थोड़ा लाइव में गाना बहुत मुश्किल है थोड़ा, तो हम कुछ भी गलती हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। बस एक तू है यारा, राह तकून सैया कोई में बबरिया, अखियाँ मिला के मोह से दूर न जा सरिया, विनती करूँ मैं ठीक ठीक गया। थैंक यू। ये कोशिश पहली बार गया। पाँच मिनट ना जी 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 असांगिरी वाल जा मोरला आन कंकार पेट भरा ये हमारी रतया रे ये हमारी रात रे आवे न बोलिए अरे रे तो होइड़ा फाट मरा ये हमारी रत रे आवे न बोलिए अरे रे तो तू है ना फाट मरा। चलिए सब एक साथ जो आपको पसंद है वो सब सुना देते हैं एक साथ। घनघोर जरे चहुवर मारुमा घनघोर जरे चहुवर मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर करे तम मोर मारू माँ मन मोर करे तम मोर मारू माँ मारू मन मोर बनी थन गाट करे मारू मन मोर बनी थन गाट करे मन मोर बनी थन गाट करे मोर सीता एक लारे ली मेरे लिए बहुत बड़ा अवॉर्ड है। शीशाबाद कलंदर दमादम मस्त कलंदर कलंदर लाल कलंदर कलंदर 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 मस्त कलंदर कलंदर स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम निराकारम ओंकार मूलम तुरीयम गिरागान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने प्यार से आप सभी ने सुना, थैंक यू सो मच। दुर्गा जी बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। बोलवानू कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, झूमा नचा देते हैं, रुला देते हैं सब कुछ। एक ही चीज कहना चाहूंगी और प्लीज मेरी बात सुनिए। बहुत लोग कहते हैं ये नेशनल वेल्थ है, ये मॉन्यूमेंट है, ये फलकनुमा पैलेस है, ये हमारा चौमाला पैलेस, ये हमारी नेशनल वेल्थ है। इनके गले ने आज आपको पूरा इंडिया का दर्शन दिया, भारत दर्शन दिया। कहां कहां नहीं लेके गए ये, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बात सोच के, मेरे कान, मेरे सब रोंगटे खड़े हो गए। अगर इस व्यक्ति को अगर हम हमारे नेशनल हेरिटेज, हमारे ट्रेजर नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? मेरे सच्ची, मेरे हर रोम रोम आज अभी I'm getting goosebumps, but truly what an artist, and we are truly blessed at this moment that we heard this performance. Please आप आइए, इस वक्त इस स्थान पे सरस्वती विराजमान है ये पक्का है, और भारत झूम रहा है। क्या बात, क्या बात है। Ladies and gentlemen, he makes India proud. What an artist! इसीलिए हमारा भारत, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा संगीत जो हजारों वर्षों से चल रहा है और अमर है, ये गला है, ये सोच है, ये दिमाग है, ये प्रवाह है। आमिर आप आइए प्लीज। मैं जयेश रंजन जी से फिर से एक बार अनुरोध करूंगी कि हमसे जो एक क्षति हो गई थी कि इनका शॉल नहीं हुआ, लेकिन अच्छा हुआ, क्योंकि उस वक्त देते तो उनको बिना जाने हम दे देते, सिर्फ प्यार से स्वागत करते। लेकिन एक ऐसा कलाकार है जो एक बहुत महान माइस्ट्रो का बेटा कहलाने और शागिर्द कहलाने के लायक है। Amir Ali Mir, what an artist! God bless you. आप जयेश जी को दीजिए इनका जोरदार तालियां, इनको आशीर्वाद दीजिए कि अपने बाप का, अपने देश का नाम रोशन करें। जोरदार तालियां, हैदराबाद, लेट्स डू इट फॉर इंडियन म्यूजिक। थैंक यू, थैंक यू। बट व्हाट अ परफॉर्मेंस, एब्सोल्युटली स्टनिंग, mesmerizing, breathtaking, And thank you Hyderabad for giving so much love to music and all the musicians कि उनको इतनी खुशी मिलती है. और फिर से मैं कहूँगी आप लोगों की प्यार, आप लोगों की तालियों में अब बापू जी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिलता है. तो जोरदार तालियां सारे कलाकारों के लिए. जय हो, जय हो, जय हो, सबकी जय हो, आप सबकी भी जय हो. धन्यवाद. और ख़ास तौर से मैं मेरी दीदी दुर्गा जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ. मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि इतने बड़े मंच पे हमको बुलाते हैं और हमको हमारी जो बानी है उसको पवित्र करने का मौका मिलता है. ये जो चीज़ है हमारी, जो गाना बजाना तो रोज़ होता है, लेकिन ऐसी जगहों पे ये जो शब्द होते हैं, जो बोल होते हैं, वो पवित्र होते हैं. ऐसी जगह है ये. तो ऐसी महान परम चेतनाओं को हमने सुरों की अंजलि, जैसे भी हमने टूटा फूटा जो कुछ भी गाया, उनको जो हमने अंजलि दी, तो हमें भी बहुत तृप्ति हुई है, बहुत अच्छा लगा है. और आप सभी ने इतने प्यार से इतनी देर तक सुना है. आप सभी गुणी हैं, सब कुछ भी इधर उधर अगर कुछ भी हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन आपने बड़े प्यार से सुना है. थैंक यू सो मच. सो और ख़ास तौर से दुर्गा जी का बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. Oh my God, I really wish this evening never ended, but I just want to once again take this opportunity to thank all those corporates. Jayesh ji, आप खड़े रहिए please. आप नहीं जाएंगे तो कि ये अधूरा सा हो जाता है मंच. All those corporates who have come forward to support us. आप लोग तालियां रुकना ही मत, क्योंकि उनके बगैर मुमकिन ही नहीं है. Indian Oil, NMDC, SBI Life, Union Bank of India, Ace Urban, Value Momentum, Gokaldas Images, Midhani and Olectra. Thank you all very, very, very much for this wonderful, wonderful, wonderful support to this festival, and not to forget, above all, the government of Telangana, who's blessing this, literally blessing this entire festival and making this happen, and the person who's all behind this, Jai Ranjan Garu ji. He's trying since a long time to take a picture. No, he's trying since a long time. No, I'm very happy. My colleague spoke earlier, Mr. Ramakrishna Rao. I echo his sentiments that we feel proud and privileged and honored to support this festival. This is the 51st year, and even though Pandit ji is now only watching us from heavens, but Durga ji, Neeraj ji and everyone else from the family, the kind of spirit that they demonstrate in putting this event together, that's really very praiseworthy. Aur itne mahaan artists ko hamare beech mein laate hain, that is really something that we'll cherish forever. Thank you. एक मैं चीज़ कहूँगी जो मैं उस दिन रुचि जी से कह रही थी कि there is a phase. Bapuji is continuing to bless this, of course. Bapuji and the 48th year when Bapuji was omnipresent. And from that phase, Jaish Ranjan ji ने हमारा जो हाथ पकड़ा है, उसके लिए पूरा पंडित जसराज परिवार, मेवाती घराना and me and Neeraj and the foundation हमेशा कृतज्ञ रहेंगे. And we'll never have enough words for how support and strength he gave us. कि everybody called to condole us, to pay their condolences. Jayesh ji only said, you must be thinking what is going to happen about Hyderabad festival. Now it is time to do it for Pandit ji. He's done it for us for 47 years. Those words are more important than any other message that I may have got in my life. Jayesh ji, really, truly grateful. Thank you so much. And thank you, Hyderabad. We'll see you tomorrow at 7 PM. And we'll start with Vikas Parik ji with his 28. Gujarat sentiment will go forward from Ahmedabad. 28 log ek saath invocation gaenge. From Ahmedabad, Ahmedabad thi aave che, okay? उसके बाद we will, yeah, Vikas is here, please give him a big hand. He is from Mewati Gharana, of course, followed by a stunning tabla duet with this young maestro Ishan Ghosh and a great maestro Pandit Nayan Ghosh ji, father and son playing duet, followed by superstar of Maharashtra. जी जी जी, आप सब उनको देखने आ रहे कि सुनने आएंगे? अच्छा जी, बहुत सुरीली गाती है आर्या अम्बेकर, along with absolutely phenomenal student of the great legend Bharat Ratna Pandit Bhimsen Joshi ji, Anand Bhate. They will be presenting Natya Sangeet, Bhavgeet and Abhang. Please don't be late and we'll start on time, and today we've extended time but tomorrow also. See you soon. Good night. Shabba khair. Please go home safely, come back tomorrow on time. Thank you so much. Jai Ho.